सैलेन दीवान होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी हूँ और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे जो कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है वही मेरी जीत का कारण होगा। मेरे पिताजी का आशीर्वाद और जो मेरे पास सिंबल है कांग्रेस पार्टी का पंजा, वही मुझे जिताएगा और कांग्रेस की योजनाएं मुझे भविष्य में सांसद बनाएंगी। अभी होशंगाबाद के पंजारा में जो घटना हुई उस संबंध में आपकी बात। होशंगाबाद में जो घटना घटी पांजरा में वो बहुत दुखद घटना है। भविष्य में उसको कैसे रोका जा सकता है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है और उसका क्या हल निकल सकता है इसके लिए उन्हें आदेश दे दिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और अधिक व्यवस्थाएं करेगा। क्या विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? किसान और युवा ये कांग्रेस का पहला एजेंडा है कि किसानों को कर्ज मुक्त हो और किसानों की आय बढ़े। ऐसी आय न बढ़ाएं जैसे भाजपा ने बढ़ाई है कि 10,000 की राहर 5,000 पे आ गई है, 6,000-8,000 का चना 3,000 पे आ गया है। किसानों को कैसे आगे भविष्य में अच्छे दाम मिल सके ऐसी पॉलिसी कांग्रेस बना रही है। कर्ज माफी का जो वादा था कमलनाथ सरकार का वो कहीं ना कहीं अधूरा समझ में आ रहा है। ऐसा भाजपा वाले प्रचार कर रहे हैं। 25 लाख लोगों के खाते में पैसा आ चुका है और जो बचे हैं उनके खाते में आचार संहिता हटते ही साथ 1 से 1.5 महीने में वो पैसा आ जाएगा। भाजपा तो सिर्फ इस चीज का प्रचार कर रही है। मैं तो भाजपा वालों से पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में चर्चा कम, आप अपने बारे में बताइए कि 15 लाख रुपए कहाँ गए। सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से आप देश को, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र को, इस संसदीय क्षेत्र को और देश को ऐसी भ्रष्ट सरकार जो सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है ऐसी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए एक मौका अच्छा मिला है, वो 6 मई है हमारे संसदीय क्षेत्र में, उनसे मुक्ति पाने के लिए और यहाँ के सांसद से मुक्ति पाने के लिए अपना मत सोच के विचार से उस मत का उपयोग करें और कांग्रेस को अधिक से अधिक मतों से जय बनाएं।